एक दिसंबर एड्स दिवस के मौके पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बागेश्वर के तत्वाधान में विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनएस टोलिया ने कहा कि एड्स की जानकारी ही एड्स का बचाव है। साथ ही जिला चिकित्सालय बागेश्वर में नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को ACMO एनएस टोलिया ने पुरस्कृत भी किया। जरा इधर भी लो ध्यान, आप सभी के सामने पेश कर दिया है ऐसा ही एक जागरूकता नुक्कड़ नाटक, तो लीजिए पेश है आप सभी के सामने नुक्कड़ नाटक। अरे क्या लग रहा कटना के बहुत, अरे मेरी बुआरी तबियत खराब है मेरी तबियत, अरे अस्पताल ना छोड़िया तू पार आओ मोंदा हुआ दिखा लूनू झाटा हुआ लूनू। अरे फोन ले तुम का हुआ जैसे बात कर रहा तुम पता है क्या हमारे किले से मुझे फोन ले तुम दर्द से पैर धोई है छा वो बुआरी तबियत खराब है। अरे पहले में अस्पताल छा के छा घर नहीं कर छा सब चीज जाता होगा। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार आज भी ग्रामीण परिवेश में अस्पताल को नजरअंदाज किया जाता है और अपने घरेलू उपचारों को विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। इसके लिए इस बार की जो थीम रखी है लाइफ समान इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप इस भयानक जो बीमारी है इसके प्रति प्रत्येक जनमानस तक यह संदेश पहुंचाना है कि जो ये बीमारी है इसको जो है इतना गंभीर न लेते हुए और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रत्येक जनमानस तक फैलाना होता है और इसके प्रति अगर सभी लोग तो समय पर इसका टेस्टिंग कर लें और ट्रीटमेंट कर लें और उसकी दवाई अगर प्रॉपरली जिस व्यक्ति को अगर पॉजिटिव हो जाता है या उसमें धनात्मक पाए जाते हैं तो उसको निश्चित तौर पर इलाज संभव है। और ये जो बीमारी है जैसे कि पूरे समाज में एक मिथ्या के तौर पर जो स्टिग्मा है उसको दूर करने के जो उद्देश्य को लेकर इस 1 दिसंबर के रूप जो हम लोग तो मनाने जा रहे हैं इसका मेन उद्देश्य यही है। तो मेरे संपूर्ण यहाँ के जिले के संपूर्ण नागरिकों व सामाजिक जितने भी कार्यकर्ता हैं जितने भी हमारे सहयोगी हैं वो लोग इस बीमारी के प्रति प्रत्येक जनमानस तक जागरूकता हेतु इसके लक्षणों के बारे में इसके होने वाले दुष्परिणाम के बारे में प्रत्येक हर व्यक्ति तक फैलाने का जो है प्रयास करेंगे और मेरा यही संकल्प है कि हमारा जिला इससे संक्रमित होने में इसके बचाव के संबंध में और कम से कम जो है यहाँ पर रोगी मिले और इसकी जो है संपूर्ण जो है इलाज समय पर कराया जा सके। आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बागेश्वर के तत्वावधान में एक एड्स विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विगत दिनों जो प्रतियोगिताएं हमारी हुई थी पोस्टर प्रतियोगिता और नारा लेखन प्रतियोगिता उसके विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ACMO सर यहाँ पर डॉक्टर टोलिया जी उपस्थित थे। उन्होंने एड्स के बारे में इसके लक्षण और बचाव के बारे में विस्तृत बच्चों से जानकारियाँ दी और बच्चों के जो जिज्ञासाएं थी उनको भी उनके भी शंका का समाधान किया। बच्चों ने इसमें उत्साह से प्रश्न भी पूछे। इसके अलावा जो जन जागरूकता रैली इन NCC कैडेट्स तथा NSS वॉलंटियर्स के द्वारा भी इसमें निकाली गई और आम लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि एड्स की जानकारी ही बचाव है। हमें हमेशा इसके प्रति सजग रहना है, स्वयं भी सजग रहना है और लोगों को भी सजग रहना है। इस उद्देश्य को लेकर इस जानकारी व्यापक इसका प्रचार प्रसार हो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।